वेलकम टू द न्यू व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस अभी का मैं आपको सीन बता देती हूँ। बज रहे हैं 10:20। आज व्लॉग मतलब व्लॉग आज मैंने नहीं डाला है, मतलब कल का मंडे का आया था, ट्यूसडे को नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। दोपहर में मैं 3-4 घंटे सोई हूँ और रात को मैं 1 बजे फिर सो गई थी। अब मैं उठी हूँ 9:30। अब मैंने नाश्ता कर लिया है और हमारे घर में भैया सफाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। या तो वो हो नहीं रही है या हमारी ये जो माता श्री हैं, इधर दिखाइए शक्ल गाइस, ये बिल्कुल पीछे पड़ गई है। जो चीज़ साफ़ है ना उसे भी डबल साफ़ कर रही हैं। तो आज अभी तो ये मम्मी फ्रिज की सफाई कर रही है, पूरा नीचे का हो गया, ऊपर वाला रह गया सेक्शन, तो अंदर की ये करेंगे। बाहर का जिम्मा हमें थोपा गया है, उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन इन्होंने बोला कि आप करेंगी तो हमने कहा ओके, करना पड़ेगा अगर घर में रहना है तो शांतिपूर्वक। बस तो गाइस एक तो ये हो गया, दूसरा मैं आपको बता देती हूँ दूसरा क्या चल रहा है। बैठी है लड़की, इसने जो भी रंग दिखाना चालू किया ना वो कोई नहीं दिखा रहा। पहले तो उसने आराम आराम से दूध रोटी खाया, गाइस पहले आराम से दूध रोटियाँ खाती थी, लेकिन अब देखो ये दूध रोटी यहाँ रखा हुआ है। वो ये 3 किलो 1 किलो भी नहीं थे। तो गाइस ये अब अनशन पे बैठ गई है, किसी का फोन आ रहा है। गाइस मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो कैंडी है ये घूम रही है, इसने आराम से कई महीने दूध रोटी खाया, लेकिन जो चीकू है वो ड्रामे करती थी, लेकिन 2-4 दिन से इस लड़की ने भी ड्रामे करना चालू कर दिए हैं, खाती ही नहीं है। मैंने वो जो पूरा आपको दिखाया था ना इसका खाना, मैंने पूरे बाहर कुत्ते को डाला है। और अब मम्मी अपना काम छोड़ के इनके लिए अंडे लेकर आई है, और एक्चुअली ट्रे आनी थी बट ट्रे मन्नू ला नहीं पा रहा, वो थोड़ा बिजी चल रहा है, तो इसीलिए ट्रे के मतलब लाने पड़ रहे हैं, और यहाँ महंगे भी मिल रहे हैं। मन्नू तो ट्रे थोड़ी सस्ती आती है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी, बट अब वो दिवाली के बाद ही आएगी। तो अब मम्मी इनके लिए अंडे लाई है और 2 अंडे उबाल रही हूँ, एक चीकू का एक कैट। ज़्यादा नहीं देना क्योंकि अभी इतनी गर्मी इतनी सर्दियाँ नहीं आई, तो इनको तो थोड़ी कम ही सर्दी लगती है, तो इसलिए एक एक दे रही। हाँ गाइस ये देखो मम्मी अब दरवाजे कर रही है, मैंने भी थोड़ा बहुत करवाया लेकिन अब मम्मी ही कर रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने ये बेड किया है, लग नहीं रहा होगा, ये अलमीरा ऊपर से मम्मी ने, नीचे से मैंने वो सब किया है, पूरे इधर अलमीरा सब कुछ कर दिया, सुरेश कर दिया ऊपर से। कौन सा ऊपर से? ये तो कल पाइप लगा के ना सुरेश, इधर के धो देंगे जाली का। गाइस सुरेश आंटी को जुकाम हो गया है ना आंटी, कितने बजे उठती हो आप? ओ भाई गाइस 4 बजे आंटी चालू हो जाती है अपने काम के लिए, फिर यहाँ आती है। मम्मी आप ढंग से नहीं कर रहे, ये किया ही नहीं है। अच्छा यही चल रहा है और क्या ही दिखा दूँ आपको, कुछ ज्यादा है नहीं। और हाँ गाइस कल का प्लान बता, कल हमारे सारे सोफे ये वाले उधर जाएंगे, इस यहाँ आ जाएंगे और ये वाले उधर चले जाएंगे। ये गाइस सर्दियों का प्लान है, गर्मियों में फिर से ये यहाँ आएंगे क्योंकि मेरी मम्मी को एक जगह कोई भी चीज़ नहीं पसंद, उनको चाहिए कि तबादला होता रहे, ऐसे 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 ऐसे। तो बस यही है, ये कल का प्लान है। और आज शाम को पर्दे भी लग जाएंगे, और इस रूम के पर्दे ना पहले इसके लिए अलग पर्दे हैं, इस रूम के लिए अलग पर्दे, वो थोड़े कटने के लिए सुंदर भैया के पास गए, उन्होंने कर दिए, बस उठा के लाने हैं, फिर वो प्रेस होंगे तो यहाँ लग जाएंगे। और गाइस सिर्फ 3-4 दिन रह गए दिवाली को, अभी तो हमारी लाइट्स भी नहीं लगी है, लाइट्स भी लगानी है। चलो देखते हैं हमें लाइट का क्या सीन है, लाइट है कहाँ, हमें तो दिखी नहीं, पता नहीं कहाँ गई। गाइस मैं लगाती हूँ लाइट दिवाली पे, बस उसके कनेक्शंस मन्नू कर देता है, कनेक्शंस में थोड़ा डीले हो जाता है कनेक्शंस, तो मैं इसे जल नहीं पाती, फिर वो आता है हाथ लगाता हो जाती है ऐसा, मेरा पोपट हो जाता है। गाइस 4 बज रहे हैं और ना हम नहा वहा लिए थे, उसके बाद मम्मी ने पहले खाना भेजा, फिर नहाए वहाए, और मैंने खाना खाया नहीं था क्योंकि मम्मी ने बनाया था कद्दू,
वही कद्दू जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, पिछले से पिछले ब्लॉग में दिखाया था। तो बहुत सोचा क्या खाएं क्या खाएं, तो अभी मैंने बनाया है पोहा। ये मैंने महाराष्ट्रन स्टाइल में बनाने की कोशिश की है और ये चाय बन रही है। और बाहर से कड़ी पत्ता लेकर आई, दो प्याज इस पर चॉप कर लिए और पूरा बनाया है। और बस मैंने मम्मी को टेस्ट करवाया तो मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा नमक कम है, तो मैंने थोड़ा नमक डाल के इसको ऐसी वो कर रही हूँ। अब हो गया होगा मिक्स। चलो बस चाय भी ऑलमोस्ट डन और ये भी पोहा खाते फटाफट, भूख लग रही है और ये समेटना भी है। मम्मी को पोहा दे दिया है और बाकी किचन साफ कर दी है। अब मैं लेके जा रही हूँ चाय और पोहा। अगर मैं आपको बताऊँ ना तो शक्ल तो बिल्कुल वहीं की लग रही है, बस टेस्ट शायद मैच ना हो। कैसा है, आप भी खाओगी चाय पोहा? मीठे वाला टेस्ट आ रहा है, मीठा। आई थिंक ओल्डर देन अक्टूबर, स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर। या दैट्स फाइन। ओके गाइस, हम जा रहे हैं कैंडल होती है ना बलून कैंडल, वो जलाने। हो तो गई लेकिन इसने फाड़ दिया मनु, ये रहा साइड से छोटा सा। तो ये फूल क्यों नहीं रहा, जल ना जाए। ऊपर कर, ऊपर ऊपर कर, यहाँ से पकड़, मुझे दे। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, हट, ये पकड़। कागज मांग लगा दी तुमने, कागज मांग लगा दी तुमने, तेरा दिमाग जो है ना वो चार्ज है। ये कागज मांग लगा दी तुमने, इसको दी कागज। तूने ढंग से बुलाया ही नहीं, जल्दी थोड़ी जल्दी नहीं देती। जल तो और कितना जलाएगा, फ्लॉप हो गया गाइस। गाइस बुढ़िया सी करती है, हम इसका भी कर देंगे जोड़। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। गाइस हाय, आज हो गया नेक्स्ट डे और गाइस हमारे घर में फिर से सफाइयां ही चल रही हैं और कुछ चल ही नहीं रहा है। मम्मी ने आज सुबह सुरेश आंटी के साथ मिलकर उनसे छत धुलवाई है, उन्होंने धोई है, मम्मी ने वाइपर मारे हैं और अब आंटी बाहर का आंगन धो रही है और मम्मी नाश्ता बना रही है। नाश्ते में बनाया पेठा, कल जो पेठा बना था ना वही आज खाना है हमको, क्योंकि हम उसे बड़ा डिले कर रहे थे, पोस्टपोन, नहीं खाना नहीं खाना। लेकिन अब ऐसी स्थिति आज आ चुकी है कि सुबह सुबह बाहर का कुछ खा नहीं सकते और अब हमें पेठा खाना पड़ेगा। हम पेठा खा रहे हैं और मम्मी बना रही है। आपने नाश्ता कर लिया क्या गाइस? गाइस तो करके ही बैठते होंगे। क्या बात है, हैं? खाना तो खा लिया आज, अब क्या चाहिए? छत तो आज धुली है, छत में तो जानी ही नहीं है, आज रोक के रखनी है आपको। दिवाली तक रोक के रखनी है, इसे अब खुलना है। दरवाजा बंद करके अंदर घुमा लो उसे। क्या घूमना है, हैं? अब ये भी बंदना पसंद नहीं करती। हाँ इसमें मजा नहीं आता। चाय पी लो, चाय चाय पी लो। व्लॉग खराब करियो बस तू मेरा। हैं? व्लॉग खराब कर दियो, लोग सोच रहे कैंडी बातें करने लगे। हैं 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 क्या ऊपर जाना है? खोल देना मम्मी। गाइस मम्मी खोल रही है क्योंकि मैं चाय पी रही हूँ। मैं मम्मी को ऑर्डर नहीं चलाती, मम्मी मुझे चलाती। हाँ
ओ भाई बम फूट रहा है। कौन कौन भाई? ओ तगड़ा गाइस, हैप्पी दिवाली। कितनी दिख रही? ओ भाई मारो उसको, मारो। मम्मी हां, कौन फाड़ने वाला था? ये फेंक दो। के रखो पहनने के लिए? नहीं फेंक दो। है यहाँ पे बन रहे करेले, ये करेले के छिलके, ये प्याज, यहाँ पे करेले तल रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ करेले की नानी। कैसे करेले की नानी है, ये करेलों की तरह बोल बोल के हमसे काम कराती है। और गाइस ये टकली भी होती जा रही है यहाँ से। गाइस कुछ बता दो। हाँ पूछो गाइस से, क्या कुछ रेकमेंड कर दे। अपनी दिक्कत रखो गाइस के आगे। गाइस बहुत बाल गिर रहे हैं, अगर कुछ इलाज हो तो मुझे बताओ। गाइस सच में मम्मी के बाल इतने कम हो गए ना, पहले बहुत ज्यादा थे। गाइस पहले तो इतने मतलब 5 गुना इससे ज्यादा बाल। मैं भी देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, झड़ बहुत रहे हैं मम्मी के बाल। अगर कुछ हो तो बताना गाइस इलाज। ठीक है गाइस बता देंगे आपको। गाइस कमेंट करते नहीं है लेकिन बता जरूर देंगे खुद में ही। गाइस हाय, गाइस फाइनली बज रहे हैं 5:30 और हम लगाने जा रहे हैं आज पर्दे। जो जो उतारे थे वो लगाएंगे उस इस वाले रूम के। गाइस इस वाले रूम के पर्दे अभी प्रेस होने गए। मम्मी चले गए? नहीं गाइस प्रेस होने ही नहीं गए, हम थोड़े लेट लतीफ़ और आलसी लोग हैं, और हमारा प्रेस वाला भी वो भी आलसी हुआ पड़ा है, उसके पास काम ज़्यादा दिवाली के अवसर पे। तो बस अभी वो पर्दे लेके जाएंगे, जब वो वापस देंगे तब वहाँ का हम करेंगे। अभी हम पूरे घर के लाते हैं। ये देखो कर रही है मम्मी की, ये लड़की हेल्प कर रही है। हाँ अरे हाँ हाँ तेरा ही तो नाम लिया है। ये तो इसको तो वो आने लगते हैं फिट फिट फिट। ये सारे पर्दे हैं बट यहाँ पूरे हो जाएंगे जो आप क्रीम बोल रही हो। कितने 9 पर्दे हैं क्रीम वाले? तो यहाँ कितने लगते हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 बस। और यहाँ तो वही लगेंगे ये क्रीम। यहाँ तो ये नेट के लगा देते हैं। अच्छा और हैवी वाले यहाँ चाटे मारूंगी। बाऊ बाऊ इसे अलग ही चढ़ी हुई है। ये सोने के लिए बिस्तर, इसे बस गद्देदार चाहिए। वैसे दोनों को कोई छोड़ा हो गया, वो खेल रही है। ये खेल रही है, मैं बस की नहीं है। इन्हें लाओ ले जाओ अभी शांत हो। मैं लेके ही कब गई थी? जब कपड़े उतारने गई। आप बताइए जब कपड़े उतारने गई। दरवाजा खुला था, खुदा ही खुद गई। और ये काट रही है आपके पर्दे। कह रही है मेरी बहन को बोल रही हो कुछ? मम्मी तो ये कर रही है ये। गाइस पर्दे लग चुके हैं, इस बार हमने वहां के पर्दे यहाँ कर दिए हैं, और यहाँ के पर्दे और ये वाले पर्दे पहले यहाँ लगे हुए थे, ये वाले अब हमने उल्टा कर दिया, फ्लिप मार दिया। गाइस सी, ये लगा दिए, ये लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए, ये भी लग गए। मिल मिल के हो गया जल्दी जल्दी काम। और अब ये सब भर रही हैं, ये सारी दालें थी ये डिब्बे विब्बे धुलवा के फिर से भर दिए। कैसा लग रहा है इतना काम करके? इधर देखिए बहुत काम करती है। यो भी भर दीजिए आधा। तो मैंने धनिया धनिया मैं गाइस को धनिया दिखाने जा रही हूँ कि धनिया कैसा हुआ है। नहीं नहीं अभी गाइस धनिया देख लीजिए, लाइट्स लग गई हैं देखो। और हमारी लाइट्स का गाइस ये देखो, बट ये पता नहीं धनिया की पत्तियां कैसे आई हैं, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, बट धनिया ऐसा है। देखो गाइस ये बीच बीच में आई हैं। अभी मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि ये ऐसे ही होता है क्या। अगर किसी को पता है कि ये बाद में ऐसे होंगे या ये है ही नहीं, ये हुआ क्या है? बस एक पत्ती आई है ये री, बाकी कहीं आता पता नहीं है। धनिया वाली शेप ही नहीं ली गई है।
क्या बात हो रही है? चीकू बता क्या बात हो रही है? चीकू ने पूछ लिया, समझ गई? नहीं चीकू से कहा मुझे मार से करा दे बस, तू रुक रुक बैठ जा, तो वो आएंगे। चीकू देखा गई ये, तू इधर इधर क्या हुआ तुम दोनों को? आओ आओ, अरे बन आ जा इनका कुछ समझ ही नहीं आता जाना कहाँ होता, पहुँच कहाँ जाती है। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो गया और अभी हमारे घर में ना फ्लिप हो रहा है सोफास का, जैसे सोफा यहाँ जाएगा वही कर रहे हैं। बाकी मैं अभी इस व्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि दो दिन से चल रहा है, अभी नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी नाश्ता वाश्ता करके तब। तो स्टे ट्यून गाइस, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लो, लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करो,